हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रियल क्विक एनालिसिस चैनल। चलिए अब जल्दी से चर्चा करते हैं हम अपने आज के रियल क्विक एनालिसिस की। हाल ही में चीन से आंकड़े आए हैं। इस साल की पहली तिमाही में उसकी इकोनॉमी में 18% का इजाफा हुआ है। चीन के द्वारा जारी किए गए आंकड़े कितने फर्जी हैं यह तो हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन इन आंकड़ों को सुनकर हम में से कुछ लोग दुबले जरूर हो रहे हैं। पूरी दुनिया में आग लगा के चीन आज रोटियां सेक रहा है, लेकिन इस दौरान ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम गर्व महसूस कर सकें, क्योंकि अब इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों का अध्ययन करना चालू कर दिया है, जिसमें निकल कर आया है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जहां भारत से $20 बिलियन का फार्मा एक्सपोर्ट हुआ, वहीं हाल में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत से $24 बिलियन की दवाइयों का निर्यात हुआ है। इस प्रकार पिछले दो सालों में भारत से होने वाले दवाइयों के निर्यात में 18% का जोरदार उछाल आया है और यह अभी तक का भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन है। भारत की सफलता का अंदाजा लगाने के लिए यह जानना जरूरी होगा कि इसी दौरान दुनिया भर में दवाइयों के टोटल एक्सपोर्ट में 1-2% की गिरावट दर्ज की गई है। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि जब दुनिया भर में दवाओं का व्यापार कम हो रहा था, तब भी धारा के विपरीत तैर कर भारत ने यह विजय हासिल की है। यहाँ पर गौर करना जरूरी है कि नॉर्थ अमेरिका, जिसमें अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको शामिल हैं, उसको होने वाले दवाओं के इंडियन एक्सपोर्ट में 34% का जबरदस्त उछाल आया है। जब से अमेरिकन जहाज भारत के पानी से बिना बताए गुजरे, तभी से भारत में बैठे चाइनीज चापलूसों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है और इसलिए वह पानी पी पी कर अमेरिका को कोस रहे हैं, ताकि चीन के लिए हितकारी भारत और अमेरिका की दोस्ती में दरार डाली जा सके। आप में से कुछ लोगों को पक्के से अमेरिका से नफरत होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि डॉलर से सबको प्यार है। इसलिए हमारा साफ तौर पर मत है कि जो देश हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है, हम उसे गालियां नहीं दे सकते हैं। जब तक भारत और अमेरिका के स्वार्थ मिलते हैं, तब तक मतभेदों को नियंत्रण में रखते हुए हमारे बीच की दोस्ती भी चलती रहनी चाहिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत से होने वाला दवाइयों का यह एक्सपोर्ट कोई अलादीन का चिराग घिसने से नहीं बढ़ा है, बल्कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री, विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय ने मिलकर इसके लिए काम किया है। इसी आपसी सहयोग का नतीजा है कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अलावा भी भारतीय दवाओं ने नए बाजार में अपनी पैठ बनाई हुई है। वैसे भी कूटनीति का रास्ता युद्ध शांति से निकलकर सीधा समृद्धि की ओर जाता है। दुख की बात सिर्फ यह है कि 70 सालों को गंवाने के बाद हमने कूटनीति के हथियार का उपयोग व्यापार को बढ़ाने के लिए चालू किया। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब देखना होगा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट और कौन सा कीर्तिमान बनाता है। अभी जबकि कोरोना की दूसरी लहर ने जोर पकड़ लिया है, तो बहुत से लोग अपेक्षा के अनुसार मोदी सरकार को भला बुरा कहने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन आपको भी अच्छे से ध्यान होगा, ये वही पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने पिछले साल की लॉकडाउन का पुरजोर विरोध किया था। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में किसी भी सरकार के साथ हम सभी की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अभी तो सबने 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें, हमारी यही कामना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करके आगे शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ऐसे ही और नए एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लास्ट में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत अधिक धन्यवाद।